चलो देखो, हमने प्रीवियस क्लास के अंदर कुछ क्वेश्चंस करे थे, ठीक है। तो अब कुछ फार्मूले और निकाल लेते हैं। अगर आपको ध्यान हो, एक फार्मूला है, एक कंडीशन हमने लिखी थी, sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन होता है। क्यों? क्योंकि वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा होता है, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा वन होगा। तो अगर आप इसको ऐसे लिखते हो, sec थीटा माइनस टेन थीटा इंटू sec थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू वन, और वी कैन राइट sec थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू वन अपॉन sec थीटा प्लस टेन थीटा। और आप ये भी लिख सकते हो, sec थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन sec थीटा माइनस टेन थीटा। ये आगे बहुत काम आने वाले रिजल्ट है, ठीक है ना। ये दोनों रिजल्ट ही आगे काम आते हैं, तो इसलिए हमने इसको पहले ही आप नोट कर सकते हो। ऐसे ही सिमिलरली कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा भी वन होता है। तो आप इसे भी लिख सकते हो, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू वन, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इंटू कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू वन। एक मिनट, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा मल्टीप्लाई बाय कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू वन। तो इससे रिजल्ट बनेगा, अगर आप वैल्यू फाइंड करते हो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा की, तो ये लिखा जा सकता है वन अपॉन कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। और अगर आप कोसेक थीटा प्लस कॉस थीटा फाइंड करते हो, इट कैन बी रिटन एज वन अपॉन कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। तो आपको ये टू रिजल्ट याद रखने होंगे, ये काम के रिजल्ट है, अप्लाई होते हैं बहुत सारी जगहों पर, ठीक है। कि sec थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन sec थीटा प्लस टेन थीटा, और ऐसे sec प्लस टेन इज इक्वल टू दिस, ऐसे कोसेक माइनस कॉट और कोसेक प्लस कॉट, ये वाले रिजल्ट भी अप्लाई होते हैं। क्वेश्चन में अभी करेंगे, ठीक है, राइट डाउन क्वेश्चन है लेते हैं इस पर बेस्ड। हमारे पास से वैल्यू दी हुई है, इफ sec थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू पी है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा, और भी आप निकाल सकते हो, टेन थीटा इन टर्म ऑफ पी ओनली। आपको साइन थीटा कॉस थीटा एंड टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है सिर्फ पी की टर्म में, यानी कि थीटा को थीटा की टर्म में ही निकाल दो, आपको सिर्फ पी की टर्म में निकालनी है। तो देखो क्या करते हैं, अगर आप करना चाहो पहले तो आप इसको वीडियो को पॉज कर लो और फिर करो। चलो अब आप ध्यान दो, देखो sec थीटा माइनस टेन थीटा हमारे पास है P, तो अभी अभी आपने रूल पढ़ा था sec थीटा प्लस टेन थीटा होता है वन अपॉन sec थीटा माइनस टेन थीटा, तो इट कैन बी रिटन एज वन अपॉन P। अब अगर मैं दोनों को ऐड करता हूं, तो ऐड करते ही sec और sec टू sec थीटा, इट इज इक्वल टू पी प्लस वन अपॉन पी, तो sec थीटा हो जाएगा, पी को एलसीएम ले लो, ऊपर पी स्क्वायर प्लस वन और टू इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, टू इधर आके डिवाइड हो गया, ये लो sec थीटा की वैल्यू आ गई। तो इसका रेसिप्रोकल लिखते ही cos थीटा आ जाएगा, cos थीटा आ गया टू पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस वन, एक आंसर तो आ गया, ठीक है, 2p अपॉन पी स्क्वायर प्लस वन। और अगर मैं वन में से टू को सब्ट्रैक्ट करता हूं,
तो sec से 1 में से 2 को सेपरेट करते देखो, इधर साइन चेंज होंगे, या लिख देता हूं चलो 2 माइनस 1 करते हैं, बेटर रहेगा। कोई जरूरी नहीं है आप ये तरीका अप्लाई करो, आप इस तरह से भी कर सकते हो। देखो cos थीटा आ गया 2p अपॉन p स्क्वायर प्लस 1, तो cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये रहा बेस ये रहा हाइपोटेनियस, आप परपेंडिकुलर निकाल दो पाइथागोरस थ्योरम से, आपके से परपेंडिकुलर आ जाएगा तो 10 और साइन भी आ जाएंगे, पर इसमें मैंने डायरेक्ट दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, 2 में से 1 माइनस किया तो sec से sec कैंसिल हुआ, 10 थीटा माइनस माइनस 10 थीटा 2 10 थीटा इट इज इक्वल टू 1 अपॉन p माइनस p, देन 10 थीटा इज इक्वल टू p 1 माइनस p स्क्वायर अपॉन 2। ये लो 10 थीटा की भी वैल्यू आ गई, बस कैलकुलेशन चेक कर लेना, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हुई हो। 10 थीटा आ गया, cos थीटा आ गया, अब बचा क्या sin थीटा, तो ये लो sin थीटा, sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बे हाइपोटेनियस, तो 10 में ये रहा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, वो ये ना 1 अपॉन p स्क्वायर प्लस 1 या 1 प्लस p स्क्वायर, वो कैसे भी लिख सकते हो। ये लो sin थीटा भी आ गया, 10 थीटा भी आ गया एंड cos थीटा भी आ गया इन टर्म ऑफ p ओनली। ओके राइट डाउन, चलो वन मोर क्वेश्चन, प्रूव दैट sin थीटा प्लस cosec थीटा का होल स्क्वायर प्लस cos थीटा प्लस sec थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा होता है। एक तो ये प्रूव करना है, उसके अलावा इसमें एक क्वेश्चन और आ गया, आल्सो फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा प्लस cosec थीटा का स्क्वायर प्लस cos थीटा प्लस sec थीटा का होल स्क्वायर। मींस आपको इसको पहले तो उसके इक्वल प्रूफ करना है और फिर इसकी मिनिमम वैल्यू भी बतानी है, ठीक है। आप लोग ट्राई करो पहले, चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, प्रूफ पे चलता हूं मैं पहले। साइन थीटा प्लस cosec थीटा का होल स्क्वायर प्लस cos थीटा प्लस sec थीटा का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 साइन थीटा इंटू cosec थीटा, तो सीधा 2 लिख दो क्योंकि साइन इंटू cosec 1 होता है। ऐसे ही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ cos थीटा इंटू sec थीटा, तो इधर cos इंटू sec भी 1 होता है। तो देखो अब आगे और ध्यान देना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा अगेन 1, ये रहा 2, ये रहा 2 4 और ये 1 और आ गया 5, 5 प्लस sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और cosec स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, तो 5 प्लस 1 6 प्लस 1 7, ये आ गया 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा। यहां तक मेरे हिसाब से आपसे इजीली हो गया होगा। अब बात आती है इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी, मतलब लेफ्ट हैंड साइड की आपको मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर आपको ध्यान हो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो मैं इसकी मिनिमम वैल्यू निकालूं या इसकी मिनिमम वैल्यू निकालूं, बात एक ही है। तो सबसे पहला रूल देखो, 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा की मैं बात करता हूं, अगर मैं इसको थोड़ा सा और ध्यान दूं तो ये बन रहा है 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा, cot होता है 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा। देखो स्क्वायर कोई भी नंबर हो हमेशा पॉजिटिव होता है, किसी भी नंबर का स्क्वायर करो ऑलवेज पॉजिटिव, और 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा ये भी पॉजिटिव, तो ये दोनों के एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। और हमने एक रूल किया था अगर आपको याद हो, अगर x पॉजिटिव है
तो x प्लस वन अपॉन एक्स हर हालत में 2 से बड़ा या इक्वल होगा। तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन अपॉन टेन स्क्वायर थीटा हर हालत में 2 से ग्रेटर या इक्वल होगा। तो इट मींस ये वाली वैल्यू हर हालत में 7 प्लस 2 से ग्रेटर या इक्वल होगी। मींस ये वैल्यू हमेशा 9 से ग्रेटर या इक्वल होगी। मतलब राइट हैंड साइड की मिनिमम वैल्यू 9 है। तो जब राइट हैंड साइड की मिनिमम वैल्यू 9 है तो डेफिनेटली लेफ्ट हैंड साइड की मिनिमम वैल्यू भी 9 होगी। इट इज द आंसर। अच्छा, इसमें एक पॉइंट हमेशा ध्यान रखने वाला है, एक पॉइंट इसमें हमेशा ध्यान रखने वाला होता है। मैं लिखता हूं ना x प्लस वन अपॉन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा, हमेशा 2 या 2 से बड़ा होगा अगर x पॉजिटिव है तो। याद रखना यह रूल तभी लगेगा जब x कोई भी पॉजिटिव नंबर हो। कोई भी का मतलब है अगर इसकी रेंज ही मुझे दे देता कि भाई tan थीटा जो है वो 2 से बड़ा या इक्वल है, पहले ही बोल देता। अभी तो यहां पर बोला हुआ है जो x है वो हमेशा पॉजिटिव हो, तो पॉजिटिव मतलब मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है। तो उस केस में तो हमारा आंसर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 ही आएगा। पर अगर वो लिख दे कि tan थीटा की वैल्यू ऑलरेडी हमेशा 4 या 4 से बड़ी है तो आपका केस बदलेगा, उसको हम आगे हायर लेवल पे करेंगे। ठीक है, तो आपको इस चीज का हमेशा ध्यान रखना। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, मैंने सबसे पहले इसको राइट हैंड साइड के इक्वल लिखा, ए प्लस बी के होल स्क्वायर से इसको ओपन किया, ए प्लस बी के होल स्क्वायर से इसको ओपन किया, तो आया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इधर भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सॉल्व करके लिखा तो ये वैल्यू आ गई। अब sec स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, cosec होता है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, तो इट विल बिकम 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा, मैं इसकी मिनिमम निकालूं या इसकी मिनिमम निकालूं, बात एक ही है, तो मैंने इसकी मिनिमम निकाल दी क्योंकि ईजी था। tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा लिखा, जो ऑलरेडी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होता है, हो गया डन। 7 प्लस 2 इज 9, मिनिमम वैल्यू इज 9, राइट डाउन। नेक्स्ट वन इज, एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन है इफ ए sec थीटा प्लस बी tan थीटा इक्वल टू सी एंड p sec थीटा प्लस q tan थीटा इक्वल टू r, देन कहता है थीटा को एलिमिनेट करो, देन एलिमिनेट थीटा। अब ये कई बार ऐसे आ जाता है कि थीटा को एलिमिनेट करो, और कई बार क्वेश्चन आ जाता है फाइंड द रिलेशन बिटवीन ए बी सी एंड पी क्यू आर, ए बी सी और पी क्यू आर में क्या रिलेशन होगा। अब वहां पर आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हो सकते हैं, तो देखो मतलब उसमें हमें थीटा को गायब ही करना है। ए बी सी पी क्यू आर में अगर रिलेशन देखना है मीन्स वी हैव टू रिमूव थीटा। तो कैसे करेंगे सॉल्यूशन, देखो आप सबसे पहला काम क्या करना, आप सबको सेम साइड ले लो इक्वेशन में, ए sec थीटा प्लस बी tan थीटा माइनस सी इक्वल टू 0, इधर p sec थीटा प्लस q tan थीटा माइनस r इक्वल टू 0। और क्या करो, यहां से आप फर्स्ट इक्वेशन से sec थीटा की वैल्यू लो, जो अपना क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड होता है बेसिक क्लासेस में होता ही है, sec थीटा की वैल्यू लो। तो जब आप sec थीटा को लेते हो तो इस पर हैंड रख लेना, इधर ध्यान देना, इधर tan को मत कंसीडर करना, b की r से मल्टीप्लाई माइनस बी आर माइनस क्यू सी, लेकिन ये ऑलरेडी माइनस है तो प्लस का क्यू सी, ये sec थीटा आ गया। इसी तरह से tan थीटा की वैल्यू निकालो। अब देखो जैसे आप tan थीटा लेते हो, थोड़ा ध्यान से समझना, आप जैसे ही tan थीटा लेते हो तो आप कैसे टू मेथड है, पर अपन क्या करते हैं हमेशा एक ही तरीका अप्लाई करते हैं। इसके आगे वाले नंबर को चेक कर लो, माइनस सी की पी से मल्टीप्लाई करो, माइनस पी सी माइनस आर की ए से, ऑलरेडी माइनस का है तो ए आर प्लस का। और लास्ट, अब जब आप इसको लोगे तो आप कॉन्स्टेंट वन लिखोगे, तो इट विल बिकम वन अपॉन ए क्यू माइनस बी पी। एक बार रिपीट कर देता हूं, देखो सबसे पहले आप यहां से वेरिएबल को लेना, मतलब sec थीटा को ले लो, तो इधर क्या आएगा, बी आर माइनस क्यू सी, अब ये ऑलरेडी माइनस का है
तो बी आर माइनस का माइनस ऑफ माइनस क्यू सी प्लस का, जब टेन थीटा को लोगे तो इसकी इससे मल्टीप्लाई माइनस सी पी माइनस ए आर, ऑलरेडी माइनस का है तो प्लस का हो गया, और लास्ट जब वन इधर लोगे तो वन लिखना है ए क्यू माइनस बी पी। तो इससे sec थीटा की वैल्यू क्या आई, sec थीटा आया ये इधर मल्टीप्लाई हो गया, तो sec थीटा आ गया क्यू सी माइनस बी आर अपॉन ए क्यू माइनस बी पी। और ऐसे ही इधर से tan थीटा निकाला तो tan थीटा की वैल्यू क्या आई, ए आर माइनस पी सी अपॉन ए क्यू माइनस बी पी। sec थीटा भी आ गया, tan थीटा भी आ गया। अब देखो आपको पता है हमें तो थीटा रिमूव करना है, तो थीटा को रिमूव करने के लिए क्या करो, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है वन, तो उससे थीटा गायब हो जाएगा, तो लिख देना बिकॉज ऑफ sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, देयरफोर QC माइनस बी आर अपॉन ए क्यू माइनस बी पी का स्क्वायर माइनस टेन थीटा ए आर माइनस पी सी अपॉन ए क्यू माइनस बी पी का होल स्क्वायर इक्वल टू वन। अब हो सकता है ऐसे आंसर हो, और ये भी हो सकता है ए क्यू माइनस बी पी, ए क्यू माइनस बी पी दोनों में ही है तो इसका होल स्क्वायर उधर जा सकता है, तो आप लिख सकते हो QC माइनस बी आर का स्क्वायर माइनस ए आर माइनस पी सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए क्यू माइनस बी पी का होल स्क्वायर, तो आपके पास में रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें एक चीज और ध्यान रखना, कई बार क्या होता है, कई बार क्या होता है कि अगर आपके पास यहां पर आंसर ऐसे नहीं हो करके QC माइनस BR की जगह पर BR माइनस QC हो, AR माइनस PC की जगह पर PC माइनस AR हो, या इधर कुछ भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि होल स्क्वायर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, A माइनस B हो या B माइनस A हो, तो आपको थोड़ा सा इस स्टेप पे फोकस करना है कि बस आपको एलिमिनेट कैसे करना है। नेक्स्ट मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को देता हूं, ठीक है, पहले इसे नोट कर लो। चलो वन मोर क्वेश्चन, क्वेश्चन इज इफ ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू एक्स एंड ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा इक्वल टू वाई, देन एलिमिनेट थीटा। थीटा को रिमूव करना है आपको इन दोनों इक्वेशनों से, मींस रियल में यह है कि आपको ए बी एक्स और वाई में रिलेशन लेकर के आना है, मींस थीटा गायब हो जाना चाहिए, सिर्फ रिलेशन आना चाहिए ए बी एक्स एंड वाई में। ओके, डू इट योरसेल्फ। चलो अब फिनिश करते हैं इस क्वेश्चन को। सॉल्यूशन देखो, सबसे पहले इसको सीक्वेंस वाइज आपको सही देखना पड़ेगा, आपको क्या लिखना चाहिए, इसे ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा है, मैं यूं कर लेता हूं ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू एक्स। अब याद रखना कॉस वाले के नीचे कॉस वाला ही रखना है, तो आपके पास में इधर से आ गया माइनस बी कॉस थीटा प्लस ए साइन थीटा इक्वल टू वाई, कॉस के नीचे कॉस वाला रहेगा, साइन के नीचे साइन वाला, और इसको भी आप इस तरफ ले जाओ तो माइनस माइनस हो गए। ठीक है, अब क्या करो, सबसे पहले कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो माइनस का बी वाई माइनस माइनस का ए एक्स, तो प्लस का ए एक्स हो गया। अब जब हमने साइन थीटा को लिया तो माइनस का एक्स इंटू माइनस का बी बी एक्स माइनस ए वाई, ये प्लस का ए वाई हो गया। कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है तो वो आप चेक कर लेना भाई। और लास्ट वन को लेते ही ए स्क्वायर माइनस माइनस का बी स्क्वायर, तो आपके पास में कॉस थीटा की वैल्यू आ रही है ए एक्स माइनस बी वाई अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ऐसे ही साइन थीटा की वैल्यू आएगी बी एक्स प्लस ए वाई अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू वन बिकॉज ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, इसलिए इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल टू वन होगा। तो वैल्यू क्या आई, ए एक्स माइनस बी वाई का स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस ए वाई का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, इसकी भी स्क्वायरिंग करके ऐड कर रहा हूं। तो स्क्वायरिंग करके ऐड करना स्टार्ट किया, देखो ए एक्स माइनस बी वाई का स्क्वायर, वैसे तो ये भी आंसर सही है पर हो सकता है ऑप्शन में कोई और हो। एक तो ऑप्शन अगर ये मिलता है तो आपके लिए इजी आंसर है, अदरवाइज ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस टू ए बी एक्स वाई। अब इसका स्क्वायर ओपन करता हूं तो प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, अच्छा इधर प्लस होगा, एक में साइन में प्लस होगा तो साइन थीटा प्लस का है बी एक्स प्लस ए वाई, बी एक्स प्लस ए वाई है तो प्लस टू ए बी एक्स वाई इक्वल टू, ये एज इट इज पढ़ा रहने दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखो टू ए बी एक्स वाई टू ए बी एक्स वाई कैंसल आउट, तो वैल्यू क्या बच रही है, अगर मैं एक्स स्क्वायर वालों को पास में लेता हूं तो एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा, अंदर रहेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और अगर वाई स्क्वायर वालों को भी पास में लेता हूं तो भी अंदर वैल्यू रहेगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। सबसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर थ्रू आउट कॉमन आकर के कैंसिल कर दो, या यू समझ लो पूरे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड कर रहे हैं, तो वैल्यू क्या आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज द राइट आंसर। अगर ये आंसर दिया हुआ है तो ये भी राइट है, ये आंसर दिया हो तो ये भी राइट है, आपको बस पहचान करनी है कि आपका आंसर कौन सा आएगा। ठीक है, और मैं आपको हमेशा से ये बताऊंगा कि अगर आपको मल्टीपल चॉइस भी आ रहा है तो आप एक बार ऑप्शन पर तो हैंड ही रख दो, मतलब ऑप्शन मत देखो, अगर आपको ट्रिक यूज नहीं लेनी है तो आप सबसे पहले अपने मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करो उसके बाद में आंसर मैच करो, नहीं तो कई बार क्या है ऑप्शन देख करके हम कंफ्यूज भी हो जाते हैं। और बाकी पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है मेथड कौन सा अप्लाई करना है उसने, राइट डाउन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ टेन साइन की पावर फोर थीटा प्लस फिफ्टीन कॉस की पावर फोर थीटा इक्वल टू सिक्स है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 27 कोसेक की पावर 6 थीटा प्लस 8 सेक टू द पावर 6 थीटा क्या होगा। आपको ये गिवन है, आपसे ये वैल्यू पूछी हुई है, ऑप्शंस में आपको बताता हूं, ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन इज 100, सेकंड ऑप्शन इज 125, थर्ड ऑप्शन इज 250, फोर्थ ऑप्शन इज नन ऑफ दिस। ठीक है, लेट्स ट्राई, तो हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं अब इसका। देखो एक मेथड तो ये कहता है सॉल्यूशन में, फर्स्ट सिंपल तरीका बताता हूं, 10 साइन की पावर 4 थीटा प्लस 15 कॉस की पावर 4 थीटा इक्वल टू 6 है। तो एक मेथड तो ये, आप पूरे क्वेश्चन को या तो साइन में कन्वर्ट कर दो या कॉस में। अब जैसे ही साइन या कॉस में कन्वर्ट करोगे आपके पास में, मैंने चलो ट्राई कर लेता हूं, मैं साइन में कन्वर्ट कॉस में कन्वर्ट कर देता हूं, तो साइन की पावर 4 थीटा को आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा को लिखता हूं मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 15 कॉस की पावर 4 थीटा इक्वल टू 6। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर इज 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा प्लस 15 कॉस की पावर 4 थीटा इक्वल टू 6। 10 कॉस की पावर 4 थीटा प्लस 15
25 cos की पावर 4 थीटा, 10 टू जो 20 माइनस 20 cos स्क्वायर थीटा, 10 वन जो 10 माइनस 6 प्लस 4 इक्वल टू 0। अब देखो 25 cos की पावर 4 थीटा प्लस 20 cos स्क्वायर थीटा प्लस 4, आपके ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है cos स्क्वायर थीटा में। और अगर आप इस पर थोड़ा सा और ध्यान दें तो क्या ये 5 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 का होल स्क्वायर बन रही है? अब देख लो भली, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 जो 4, 5 जो 20, तो ये सीधा परफेक्ट स्क्वायर के कारण से इक्वेशन बन गई। तो इसको जैसे आप जीरो के इक्वल रखते हो cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगी 2/5। देखो cos स्क्वायर थीटा 2/5 आ रहा है, मीन्स आप ये भी कह सकते हो बेस का स्क्वायर हमारे पास है 2 और हाइपोटेनियस का स्क्वायर हमारे पास है 5, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर भी निकाल दूं, पी स्क्वायर हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इट इज इक्वल टू 3। तो वैल्यू आ गई मेरे पास सारी। अब मैं चाहूं तो बेस को लिख दूं √2, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस को √5, परपेंडिकुलर को √3। और मुझसे पूछा क्या, 27 कोसेक की पावर 6 थीटा प्लस 8 sec की पावर 6 थीटा। देखो cos स्क्वायर आ चुका है तो sin स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दूं sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा 3/5। अब जो क्वेश्चन में पूछा है 27 cosec की पावर 6 थीटा sin का उल्टे की पावर 6, तो 5/3 का क्यूब हो गया प्लस 8 sec की पावर 6 थीटा, sec cos स्क्वायर का उल्टा होगा sec स्क्वायर, तो sec स्क्वायर हो गया 5/2, ये क्यूब है पावर 6 है तो 5/2 का क्यूब। तो देखो 3 का क्यूब 27 कैंसल, 2 का क्यूब 8 से कैंसल, 5 क्यूब प्लस 5 क्यूब 125 प्लस 125 इक्वल टू 250 आंसर। आपको बेसिक सिंपल मैथमेटिक्स जरूर आनी चाहिए, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री आपको आनी चाहिए, आप तभी क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, राइट डाउन।